सारी नौकरी निकाल टोकरी में। ये क्या हो गया, गाड़ी अंदर सारी लाइटें जल गई। कतरो बिल आयो जी को सर्विस। ये लीजिए भैया, आ गई है हमारे बीच हमारी स्कॉर्पियो। गाड़ी तो ऐसी चीज है जो मेरे को आधी रात को उठा के वो बोले ना पीनी है। हाँ। देख बीच लो आदमी तो हमेशा ही कुटा ही कुटा। मोटा भाई याद आओ सारी। याद आए तो वीडियो कॉल में देख लेना, लेकिन अभी मत आ जाना। मेरी याद आती है। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो, मस्त हो, मजे में हो, तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आए भैया। सुबह सुबह से ड्यूटी लग गई है, मैडम बोली मुझे छोड़ के आओ, मैं भी ड्यूटी जाऊंगी आपकी ड्यूटी के साथ साथ। चलते हैं ना जाकिर साहब, लेट कर रहे हो आप। लेट क्या भैया, बैंक का टाइम होता है 9:30 का, ये 9 बजे क्या बोलते, मुझे तो 9 बजे जाना है। बोला क्या शटर खोलना है कि जाके बैंक का? शटर खोलने वाले हैं वहाँ पे, काम करने लोग। काम तो करना है लेकिन बैंक का टाइम होता है 9:30 और सरकारी कर्मचारी आते 9:45 और फिर बैंक में बैठते 10 बजे और फिर पासबुक फोटोकॉपी में बोल देते आज सर्वर नहीं चल रहा। ये 3-4 चीजें याद कर लो। तो काम होता है ना, सर्वर नहीं चल रहा, लंच के बाद आना, ये आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, फलाना धिमकाना लेके आओ, फोटो कॉपी लेके आओ, साइन करके लेके आओ। तो भाई ये मजाक कर रही है, कोई पर्सनली मत लेना, कोई बैंकों का कोई अधिकारी देख रहा हो तो। अब पहले तो अपन नैना को ड्रॉप करते हैं, यहीं पास में इसका ऑफिस है, वहाँ पे ड्रॉप करके फिर मैं जाऊंगा अपनी धनों को लेकर सर्विस के लिए। सर्विस ड्यू होनी थी 1000 किलोमीटर पे और गाड़ी चल चुकी 2180 किलोमीटर, तो मतलब ओवर चल चुकी गाड़ी, तो सर्विस भी करा लेते हैं और मैडम जी को भी छोड़ देते हैं और वापिस आके सोएंगे, समझ रहे हो? टाइम पे अगर आ गए तो सोएंगे मस्त। टीका के तो तब सोऊंगा ना जब मैं टाइम पे आ जाऊंगा वापस। भाई मौसम विभाग की जानकारी, गुजरात वालों बारिश करवा दो यार। बादल तो चल रहे हैं लेकिन ये कल से ही चल रहे हैं, बारिश आती नहीं है, पता नहीं चल ही चल रहे हैं। पहले गर्मियों में इतनी बारिश आई और अब जब बारिश का मौसम है तब एक बूंद बारिश की नहीं आई। नैना को तो कर दिया ड्रॉप, अब अपन चल रहे हैं यहीं पे एक महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे। तो इसकी वजह से फर्स्ट सर्विस होनी है, फर्स्ट सर्विस पे होता कुछ नहीं है ज्यादा, सिर्फ जनरल चेकअप और गाड़ी की वॉशिंग होती है। और एक यार इसके लेफ्ट साइड से है ना, मतलब पीछे वाली सीट में चू 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 की आवाज आ रही, शायद कोई ना कोई स्क्रू लूज है तो वो टाइट कराना है, बाकी तो कोई मिस्टेक है सच मुझे आई नहीं। एक इसका DEF 79% हो गया, जब मैंने डिलीवरी ली थी तब मुझे 86% मिला था, तो उनको बता देंगे कि भाई फुल करने की जरूरत है या नहीं। DEF वैसे मेरे पास तो कुछ भी नहीं खाई, लोगों की गाड़ी मैंने सुना है कि 5000 चल चलते पूरा खाली कर देती है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो 15-1000 किलोमीटर DEF चल जाएगा। अब जिनको नहीं पता भाई DEF क्या है, भाया एक नयोला पड़ो जाए यूरिया का हलवा को गाड़ी कमाए और यूरिया गाड़ी में डालना पड़े जाए, ठीक है, बाद में ही डीजल की गाड़ी चल पाओ जाए, अदरवाइज बंद हो जाए गाड़ी, चाल ही कौन पाओ, वार्निंग का बला जाए अंदर ही अंदर। तो पहली सर्विस गाड़ी की कराऊ जा और थान बताओ जा की स्कॉर्पियो इनकी पहली सर्विस पर कहीं खर्चो बैठे जाए। ये रहा महिंद्रा का सर्विस सेंटर, यहाँ पे बंतराम एंड कंपनी के नाम से महिंद्रा का शोरूम। अपने जो भी भाई जयपुर से आते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि भाई शोरूमों का किस नाम से, केएस महिंद्रा, गहलोत मोटर्स, मतलब 3-4 जो अपने सर्विस सेंटरों के नाम रट रखे हैं। तो एक बार यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, एंट्री यहाँ से नहीं है भाई। आप ये देखो, ये तो है महिंद्रा का यार्ड और उस तरफ है शायद मारुति का यार्ड, देखो ये मारुति की गाड़ियां हैं और एक तरफ है किया का यार्ड आगे जा करके। तो मतलब यहाँ पे तीनों चारों कंपनियों का एक साथ ही कोलैबोरेशन और वॉशिंग के अंदर भी एक साथ ही है इनका काम सारा। अभी अंदर जाके देख के आए और भाई रेड कलर की देखो, पता नहीं कौन लेता होगा इस कलर को, बाकी अपने वाले तो उस तरफ खड़ी है। अब यहाँ पे एक सिस्टम है कि बिना बुकिंग के आपकी सर्विस नहीं हो सकती, तो एक अपने राजस्थान की यहाँ पे कोई लड़की थी, उन्होंने बोला कि भैया मैं करवा दूंगी आपकी, आप टेंशन मत लो भाई, अपना काम तो बन गया, अब एक बार एडवाइजर आ जाए उसके बाद बताते हैं कि भाई एक दो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक कर दे और यहाँ से फ्री हो जाए। वैसे ये बोल रहे कि 5-6 घंटे लगेंगे, तो अपन भी वेल नहीं है भैया, 5-6 घंटे बैठ जाएंगे। यहाँ के जो एडवाइजर है वो आए और उन्होंने गाड़ी वाड़ी चेक करी, बोला कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो म्यूजिक सिस्टम है ये अपडेट होना है, इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह नहीं चल रहा, इसमें लगभग लगेंगे 2-2.5 घंटे, तो बोले भैया अपडेट कर देंगे, सर्विस कर देंगे कंप्लीट, आपको गाड़ी 2 बजे तक फ्री कर देंगे। फिर DEF के बारे में उन्होंने बताया कि अभी भरवाने की जरूरत नहीं है, आप जयपुर जाके आराम से भरवा लेना, बाकी तो अपनी गाड़ी एकदम ओके है। अब क्या सर्विस खर्चा आएगा वो तो यही बताएंगे, कुछ डलता है या नहीं डलता वो भी मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। अरे भाई ये क्या हो गया, गाड़ी अंदर सारी लाइटें जल गई और ये बोल रहे कि 1 घंटा लगता है इसी तरीके से जलेगी लाइटें, तब जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा पूरा। अब म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है, एसी चालू है, इन्होंने बोला ये सब कुछ तभी होता है जब गाड़ी स्टार्ट रहे, चलो ठीक है करवाना तो था ही। अब ये खर्चा और यार बताओ जान को, अभी 1 घंटे तक स्टार्ट रहेगी, मतलब 200 रुपए का डीजल कम से कम पिएगी, उसके बाद में माइलेज और नहीं देती फिर गाड़ी थोड़ी देर तक। ये देखो हर चीज अपने हिसाब से कर रहा है, अपडेटिंग, गाड़ी बार बार बंद चालू, सब कुछ अपने हिसाब से करता है, मतलब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो अपने हाथ में एक ही चीज है, उधर जाके बैठते हैं कॉफी पीते हैं। अब 20 मिनट बाद देखो ये लिखा हुआ आने लग गया SOP VIP, पता नहीं क्या क्या है, और लिखा हुआ है कि इंजन बंद नहीं करना है। अब ये पूरा काम होने में बोल रहे हैं भैया कि 40 मिनट और लगेंगे। ये गाड़ी अपनी जा रही है वैक्यूम क्लीनिंग के लिए और फिर जाएगी वॉशिंग के लिए, तो अपनी जय श्री राम लग गए भैया वॉशिंग के ऊपर। भाई यहाँ के एडवाइजर ने बहुत सपोर्ट किया, ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब इतनी फास्ट काम करवा रहा है ना भाई आके, हेड्स ऑफ टू महिंद्रा। अब जयपुर की महिंद्रा कैसी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की महिंद्रा तो भैया मारुति टोयोटा सबसे फास्ट है, बहुत जल्दी काम करवाए भैया अपना।
फाइनली अपनी गाड़ी वॉश होके खड़ी हो चुकी है और इनका सिस्टम बहुत बढ़िया लगा भाई। वॉशिंग वॉशिंग करके इस तरफ आ गई, उस तरफ का कोई लफड़ा ही नहीं मिट्टी धूल का, बढ़िया एकदम लगे हुए भाई लोग। और सबसे बड़ी चीज, किसी ने भी हाथों में कुछ हार्ड चीज नहीं पहन रखी। अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है कम्प्लीट और गाड़ी देखो कैसी लग रही है, एकदम चकाचक। अंदर से तो पहले भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही थी, लेकिन भाई गाड़ी चलाने में अलग ही फील आ जाता है जब गाड़ी एकदम साफ हुई हुई हो। सबसे बड़ी चीज बताऊं महिंद्रा की, यहाँ के महिंद्रा की सर्विस सेंटर की, भैया कस्टमर को भगवान माना गया है। मतलब हकीकत में मैंने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं, मैंने 3-4 कस्टमर से और बात करी, मैं बोला कि भाई साहब काम जो चनट है भाई साहब आके तड़तड़ाई से महिंद्रा आके और बहुत बढ़िया। अब देख जो गार्ड आ रही है, ये गार्ड को था नेचर दिखाऊंगा मैं, ये बोला यार यहाँ देखो पहली खोलियो जाए और अब ले लो जो भी चीज ले लो। पाजी लीजिए, हो गया ना, हो गया पाजी, धन्यवाद, हो गया, और नहीं चाहिए तो क्या। चलो मिलते हैं। मतलब यार अतरा बढ़िया और अतरा मीठा आदमी जाने, मैं हमारी लाइफ में पहली बार देखी हूँ। गाड़ी में 2-3 वार्निंग आ रही थी, मैं सब सारी साफ कर दिया, एक हल्की सी स्टेयरिंग में मन तो ध्यान भी कौन सो आवाज थी बिन सही कर दिया कि भैया ये कोई नट था लूज था, हमने कर दिया आपको पता नहीं चला। मैं क्यों, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया एकदम ऑल सेट। और एंड्रॉइड ऑटो और एंड्रॉइड कारप्ले आपने गाड़ी में कौन सो वो भी चालू होगा, और इको एलेक्सा कदे कदे काम कौन करो जो देखो बोलता है काम कर गया। सब चीजें मतलब एकदम अप टू डेट कर दिया था अपन। सबसे प्यारी चीज तो भैया ये मैप सुधर गया, मैप ने तो इतना दुखी कर रखा था ना इसके ने। चलती थी गाड़ी यहाँ और मैप दिखाता था 3-4 लोकेशन दूर, ये चीज तो भैया एक नंबर कर दी कंपनी ने। मतलब महिंद्रा ने खुद को भाई बहुत सुधारा है। अब आप यू मत सोच रहे सुशील भाई महिंद्रा की गाड़ी ले लियो, जो महिंद्रा की बड़ाई कर रहे हो जे भाई, हुंडई भी बहुत बढ़िया काम कर रही थे यार, 12 की कंपनी है महिंद्रा, आप खुद को प्रोडक्ट है। और जब ओ अतरो आगे जा रही थी मतलब बहुत सारी चीजें सही हो रही है, कतरो बिल आयो जी को सर्विस को काई नहीं है, फर्स्ट सर्विस पे काई चार्ज कर रहे थे कंपनी। भाई काफी लोग आगे कंफ्यूजन रहे भाई, फर्स्ट सर्विस पे तो ये होता है ये होता है ये होता है, भाई मैं सब चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखो भाई अब तो आई स्पीड भी दिखा वाला आगी भाई, स्पीड लिमिट का है रोड की, सब कुछ दिखा वाला आगी। जितने भी होटल है ना उनकी एक खासियत है कि सबकी पार्किंग रोड पे, और रोड पे पार्किंग ढूंढना भैया खंडे की धार। अब मैं तुम्हें बताऊं जो हमने गाड़ी की सर्विस कॉस्ट का है भाई जीरो। मतलब गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें जली, अटम सटम कुछ भी को लिया गुड फेथ के अंदर। और सबसे बड़ी बात बिल बनवा जानो कौन पड़े भाई, आग लो बंदो गेट पास ले यार, मैंने खुद के भैया आप तो सीधे चले जाओ लेट हो रहे हो। बाकी जयपुर वाला क्या ट्रीट कर ला वो अगले महीने तक था ध्यान चल जा लो, क्योंकि अगले महीने तक आप गाड़ी चटिया तक 10,000 किलोमीटर चला चुके होना। अगर सिस्टम देखो एक पराठा मंगाया तो बोले एक प्लेट में दो पराठे आते हैं, और पराठे देखने में बहुत मस्त लग रहे हैं, और मस्त दही खाते पराठे खाते आचार खाते हैं और फिर लेते हैं दाबड़ी। दाबड़ी को मतलब समझा, इंद खींच ले जा। और थे सब भी मंदिर जो छाछ वाचर पीपा टंच जो, तो थे भी सो और मैं भी सोऊं। शाम की बजरी 4:30 और नैना का फोन आ गया कि मुझे लेने आ जाओ। अब मैं मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं सोया, ना आज नहाया धोया कुछ, और आप भी सोच रहे हैं सुशील भाई इतना क्या आलसी हो गया, ना कोई रील एडिट करी कुछ भी नहीं करा यार, मतलब इतना ट्रेवल करा ना इन दोनों, तो ऐसे थकान सी हो गई शरीर के अंदर, अब ऐसे आ रहा है कि मैं सोता ही रहूं। और एक चीज बताऊं मैं आपको, सोने का भी एक अलग ही सुख है भैया, जितना सो उतना कम है। मगर व्लॉग भी बनाऊं तो काई बनाऊं खटे जाऊं भाई, जिया बीचा एडजस्ट करता रही जो सपोर्ट करे रंग जो, और जल्दी सु चैनल 50,000 सब्सक्राइबर पे ले जाओ और तन जल्दी मिलाऊं जा नैना जी सु, चलते हैं नैना जी के पास। ये लीजिए भैया आ गई है हमारे बीच हमारी स्कॉर्पियो एन। अच्छा आपको क्या लगा आपके बारे में बोलूंगा? नहीं मैं तो स्कॉर्पियो एन ही लगा था। अरे यार आपने बीच में आई हुई है ना आपकी स्कॉर्पियो एन, इसलिए परी लग रही है ना। और सही बताऊं रोड पे फड़फड़ा भी रही है जब चल रही है, ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है, आज तो अलग ही टोरे में है। और आज तुम मचकाया इसको खूब भयंकर, इतनी तेज मचकाया मेरे को, इसे बोली पापा धीरे चलाओ मैं बिग डैडी हूँ आप नहीं। कैसा रहा दिन? दिन बहुत बोरिंग था, कुछ काम नहीं था, बैठाया रखा 5 बजे तक। यार आप तो बैंक चले जाते हो, मेरी ऐसी हो जाती मैं क्या करूँ सारा दिन। थोड़े दिन की बात हो रहा जाकर जब चल जाओगे आप अपने जयपुर मैं टेंशन लो। अरे ये थोड़े दिन निकाल सोच के ये ना थोड़े दिन बहुत दिन लगने लग गए मुझे। चलो आप तो मान लो सुबह से शाम जॉब कर लिए, फिर शाम को थके आ रहे हैं सो गए या कोई भी काम कर लिया कपड़े धो लिए जो भी है, मैं क्या करूँ? कपड़े धो लिए करो आप ताकि मैं आगे फ्री हो जाऊँ। ताक धो लिया आदमी कपड़ा भी धो दो, लुगाया कर ली नौकरी और आदमी धो ला टोकरिया की। गलत बात मैडम गलत बात। तो अब आगे का क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है मेरे रेस्ट करने का, मैं थक गई। थक गई बैठ के आई हूँ ब्रांच में, थक गई तो वहाँ बैठना ही, नींद तो ले नहीं सकते बस बैठना ही पड़ता है, इतनी थकान आई थी पूछो मत। थकना तो मुझे चाहिए गाड़ी की सर्विस करा के लाया हूँ, कितना काम करवाना पड़ता है खड़े रह के। जैसे खुद ही साफ करी अपनी गाड़ी ना जैसे। तो नहीं यार एक बात बताऊँ क्या, यहाँ के लोग बहुत हेड्स ऑफ, मतलब सर्विस सेंटर वाले तो एक नंबर थे। कैसे लगा? अरे भाई जान खर्च कर दी उन्होंने गाड़ी पे से टेढ़े होके कपड़ा मारा आज। ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? यहाँ पे क्या सर्विस बुक कराओ फिर सर्विस होती, 2 दिन से नंबर आता। अच्छा बट उन्होंने डायरेक्टली लगा। चलो अगली बार आप कराओ तो पहले 2 दिन पहले बुक करा देना। अरे यहाँ कराऊंगा क्या? क्यों अब कराएंगे? आप तो बोल रहे बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, लेकिन अब क्या यहीं थोड़ी रहूंगा। जयपुर तो बेटर ही होगी फिर, हमारे जयपुर कराएंगे अब भैया। तुम्हारा गुजरात हमें नहीं दाया आएगा मैडम, ऐसा नहीं ना बोल सकते जाकर साहब आप। ओ ये भैया बाइक वाला देखो कैसे बीच में आज, मतलब ऐसे बताऊँ कैसे आज गुटखा खाया
ऐसे घुमाई मोटरसाइकिल, मेरे को मजा आ गया, क्या बताऊं आप। मेरा मन करा कि उसको पकड़ के और बोलूं भैया क्यों क्यों ऐसा क्यों। ये डायलॉग बाजी कर रहे हैं हम, आधे सोए हुए आदमी ऐसे ही करता है, बहक जाता आधा सोए हुआ। आधे क्यों सोए थे, तो आराम सोते। आजकल पता है आपको नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं अपनी कमेंट बॉक्स में, के प्रति आए, मेरे प्रति आते हैं, कुछ कुछ किसी और के प्रति आ जाते हैं। क्यों आ रहे? तो इनको ये क्यों नहीं पता नेगेटिव कमेंट करने वालों को, तुम एक और 99 मुझे चाहने वाले हैं, 100% में से तुम 1% भी नहीं हो, 99% मुझे चाहने वाले, मुझे फर्क पड़ेगा क्या इनसे? फर्क तो क्या पड़ता, इनसे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छा काम करना है अब तो। लेकिन प्लीज 1% वालों प्लीज चाहो, हमें भी पता नहीं क्यों भाई 99% परिवार मेरा है और मुझे चाहेगा क्योंकि मैं उनके दिल में और वो मेरे दिल में। दिमाग में कौन रहता है वो पहले मैं बता चुका हूँ, जिसे व्यापार करना हो। चलो जी 1% वालों लव यू, आपको भी कोई बात नहीं, आप हेट करते रहो, हम आपको लव करते रहेंगे। ये हम जो घूम रहे हैं ना, ये गांधीधाम का मार्केट है और मार्केट में शोरूम तो बहुत तगड़े तगड़े हैं, लेकिन ये शोरूम में भीड़ नहीं है, लेता कौन होगा सामान लेना यहाँ पे? आबादी कम है लेकिन शोरूम एक से एक है यहाँ। शोरूम ही है लेकिन लेगा कौन? तो यार एक चीज बताओ, अब यार मेरे जैसा आदमी एक टी शर्ट में 3 दिन निकाल दिया, अब वो क्या खाक लेगा? बाकी यार शोरूम तो सारे हैं भाई, सारे जितने चाहिए ना, जितने हिसाब से शहर लग रहा था, लगा नहीं था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े शोरूम हैं। यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियां दिख रही थी हमको पिछले 24 घंटे तक। तो गांधीधाम की पहली कॉफी और चाय मुबारक हो। तो भैया यहाँ पे एक चाय की थड़ी मिली, चाय कॉफी दोनों ही स्वादिष्ट है। थड़ी का मॉडर्न वर्जन है, मॉडिफाइड। भाई साहब ये पर्पल चाय वाला है ना, एमबी चाय वाला, वैसे ये दूसरे चाय वाले हैं भैया। भैया कॉफी भी एक नंबर है। पूरी हो सकती है क्या? तो ऐसी चीज है जो मेरे को आधी रात को उठा के बोले ना पीनी है। हाँ। देखो आपने जो बात कही ना कि चाय बुरी हो सकती है, चाय का पता नहीं लेकिन आपकी शक्ल पहले बहुत अच्छी थी, अब बुरी होती जा रही है। डैडी चलाना है? हाँ। ड्राइविंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, दूसरों की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है, खुद की ड्राइविंग पे है भरोसा। क्या बोल रही है? मेरे को दूसरों की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं। क्या अगर कुछ हो गया आपकी गाड़ी के, आप मेरी खाट खड़ी कर दोगे? खाट तो चलो ठीक है, वैसे भी खड़ी करूंगा, चाहे जयपुर हो चाहे जोटवाड़ा, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आपने क्या कहा दूसरों की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं? मतलब आप खुद इतने पुख्ता ड्राइवर हो गए, आपको खुद पे तो है ही, खुद पे तो है ही ऑब्वियसली। जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो मेरा दिल है के मानता नहीं, बस भैया फटने को तैयार हो जाता है दिल। मान जाएगा, मत टेंशन लो। लाख मिन्नतों के बाद हमें ये आइसक्रीम मिली, कम से कम 40 दुकान हमने छान मारी। यहाँ पे आइसक्रीम नहीं खाते के लोग? आप बता यार, कहीं आइसक्रीम मिली नहीं, कितनी दुकानों पे घूमे हम। यहाँ का सिस्टम ही अलग है भाई, सबसे पूछा आइसक्रीम है? नहीं है, कई लोग तो जानते नहीं है यहाँ के आइसक्रीम क्या है। मतलब खाते नहीं तो समझ लो कि जानते नहीं है। फिर एक जगह क्या कर रहे थे, ये क्या है, ये गिर गया यार, ये इसको क्या ब्लॉग बंद करने वाला, खा लूंगा मैं, क्योंकि ये आइसक्रीम मिली है भाई बड़ी मिन्नतों से, और आइसक्रीम की वैरायटी भी नहीं है यहाँ। भाई मैं और नैना निकले थे गांधीधाम की सैर पे भैया, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, ऐसे इवनिंग वॉक करते करते निकल गए। मैं क्या चल गांधीधाम दिखा के लाऊं तेरे को, बताओ कैसा लगा? मार्केट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई नैना मतलब थोड़ी थोड़ी डर भी रही है कि 20-25 दिन बाद जब आप चले जाओगे तो मेरे साथ कौन रहेगा, मैं अकेले अकेली बोर हो जाऊंगी, तो मैं क्या चला सैर करा के लाता, और बजा लो ना पेपे कान में बजाओ ना आके। यार ना यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे इंसानों से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। तो मैं बताऊँ क्या चक्कर है, सब बिजनेसमैन है तो एक इंसान के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं। ये चक्कर है, नहीं हकीकत है, ये हकीकत है, बिजनेसमैन ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाड़ियों के एक्सेसरीज, गाड़ियों के वर्कशॉप, इतने ज्यादा मतलब मोस्टली वही गाड़ियों से रिलेटेड ही सामान है। तो ये पूरा कार बाजार का एरिया है मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को भी लग। लेकिन यार एक चीज बताऊँ क्या, जैसे अहमदाबाद देखा मैंने, हर चीज देखी, लेकिन जो आदमी आए ना अच्छे, वैसे आदमी मैंने कहीं नहीं देखे। लोग हैं यहाँ पे सही में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सिटी, जहाँ पे अगर होपफुली मुझे मेरे को रहने मिलेगा, और देखते कितने दिन मेरे को सही लगता है ये। चोरा है मैडम, साफ हो जाओ कहीं, सही लगते लगते। और कल ब्लॉग आया, कैसी है ये अनहोनी, ब्लॉग बनाते बनाते घायल, टाइटल आएगा चलती रोड पे मारी टक्कर, मेरी लुगाई हो गई घायल। ब्लॉग बना रही थी लुगाई, नहीं सॉरी ब्लॉग बना रही थी औरत। अरे आप पागल औरत, तुम्हें किस किस को ये मेरा फेमस डायलॉग पसंद है? अरे ओ पागल औरत, पागल ही हूँ मैं, और नहीं ये डायलॉग मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है, ये बोलते रहते हैं वही। आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन ऑडियंस को अच्छा लगता है, ये मेरी टैग लाइन है। ऑडियंस आपको अच्छा नहीं लगता ना ये वाला ओ पागल औरत डायलॉग, जिसने रील देखी है ना उनको अच्छा लगता है, वो जितनी रीलों में मैंने बोला वो सब मिलियन गई है भाई आप सबके प्यार से। अब भाई होटल चलते हैं और खाना वाना खाते हैं, होटल बस 1 किलोमीटर दूर हो रहा है। 1 किलोमीटर ऐसे लग रहा है इनको तो, कितनी देर हो गई चले जा रहे, 3 किलोमीटर से चल रहे हम। भाई देखो शरीर फिट करना है, थोड़ा चलना पड़ेगा, मेरे क्या थोड़ा थोड़ा पेट ज्यादा आ रहा था आज। हमें गाड़ी लाने की सोच रहे थे, फिर हमने सोचा यार थोड़ी भूख हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी करते इतना लंबा चल दिए। नैना लेके आई थी घर से ये कैंडी, तो सारा दिन मैं तो ये खा के टाइम पास करता हूँ, और ये मंगाया है खाना, तो देख रहे हम तो बहुत सुंदर लग रहा होगा, सबके मुंह में पानी आ रहा है ना, कोई बात नहीं आप भी खाओ, देख बाम तो बहुत स्वाद लग रही, तो बार टेस्ट कर दीजिए सारा, बिना प्याज लहसुन की चीज खाऊं जो भाई मैं? पुराने ले लिया भाई आप बालाजी से, प्याज लहसुन खाना नहीं तो खाना ही नहीं बस। कोई ब्याह में भी जाऊंगा ना, खाली मिलिया या रोटी और दही के साथ खा रहा, लेकिन प्याज लहसुन कौन खाऊंगा, ये बात की गारंटी दे रही हूँ था लोगों ने। कैसे हो?
करोट बदले जाएगे जना जाएगा जो गोडा गोड लागे भी कड़ी की तो बुरी हुई ना देख बीच लो आदमी तो हमेशा ही कुटा ही कुटा चाहे ब्याह करा बाम हुए कोई सो दो दुआ बाम हुए बिजली सीट में सुबह अगर 6 बजे नीचलो उठ गो तो तेन उठनो पड़ लो रात नो उपलो उतरती टाइम अगर तारा पंजाब लात मेल दियो थारो मन लागो थारी याद आओ यार मन तो भी अच्छा यहाँ बता मारी याद कती गई आई भाई थोड़ी बहुत आई थारी खूब सारी 500 रुपया ट्रांसफर कर दूंगा मेरी याद आती है क्या कितनी मोटा भाई याद आओ थारी याद आए तो वीडियो कॉल में देख लेना लेकिन अभी मत आ जाना अत्ता दुखी जो भी मार सू नहीं दुखी तो कौन है पर सहज ही कौन करे हो देखो स्कॉर्पियो में बैठा हूँ ये देखो ये रही की कैसी लगी की मेरी याद आती है कितनी याद आती है खूब सारी आ जाऊँ मैं आपके पास मैं चाहिए गाड़ी चाहिए नहीं बोलता आई लव यू बोल दो अच्छा शिवा स्कूल गए थे कभी मत जाकर शिवा गुंडा बनोगे आज की इस व्लॉग को करते हैं यही एंड और हम मैं कर लेता हूँ आराम से शिवा से बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ राम राम।